संतोषी माँ। अगले हफ्ते संतोषी माँ में देखिए, आप सबके सहयोग से ही साध्वी माँ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साध्वी माँ, आप मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की घोषणा कीजिए। इतने धन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि धरती लोक पर धन की कोई कमी नहीं। जिनको मानती थी अपना आदर्श, आज उनका देखकर लालच क्या करेगी संतोषी। देखना ना भूलिए संतोषी माँ, सोमवार से शुक्रवार रात। मैं तो आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपके लिए ये दूध लाई हूँ। देवी संतोष, ग्रहण करिए इस दुख, इसमें कई नागों के विष समाहित है जो एक साधारण मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आप मुझे ऐसे देख क्या रही है? लीजिए, पीजिए इसे। आप रुक क्यों गई? पी लीजिए इसे। एक बार इसे ग्रहण कर ले देवी संतोष, उसके पश्चात आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। साध्वी माँ, पीजिए, क्या सोच रही है आप? कौन है आप लोग? अपने बंदूक बंदूक क्यों दिखा रहे? इस साध्वी को अंदर ले लो। साध्वी माँ, तो सच में नहीं, तुम्हें तो लेके गई उन्हें। काका, हमारे साथ कहीं नहीं गई है साध्वी माँ। देखिए, अगर तुम साध्वी माँ को नहीं लेके गई थी तो फिर कौन लेगा? मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाइए साध्वी माँ। हे भगवान, साध्वी माँ तो सच में नहीं, किसके साथ गई होंगी? बेटे, कमाल की बात कर रहे, तुम्हें तो लेके गई उन्हें। काका, हमारे साथ कहीं नहीं गई है साध्वी माँ। बेटी, अगर तुम साध्वी माँ को नहीं लेके गई थी तो फिर कौन ले गया था? सोचने की बात है, अभी तो थी यही। काकी, हम यहाँ से घी लेने की रसोई में गए थे। फिर धारे से रसोई में, और उन्होंने हमें बाहर निकाला। अरे बेटी, अगर तुम उन्हें नहीं लेके गई तो फिर कौन लेके गया? गाड़ी रोक दो और इस साध्वी को लेकर चलो। अब तुझे पता चलेगा क्रांति माँ से दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। चल। किसने किया आपके साथ ये सब? आप ठीक तो है ना? एक पशु भी समय पर अपना कर्तव्य निभा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन माँ, आपको यहाँ लेकर कौन आया? संतोषी, अज्ञानी का आत्मविश्वास बहुत प्रबल होता है। उनका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए हम खुद यहाँ आए हैं। वो जो भी था उसे सबक मिल गया, अब घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन जिसने भी ये किया उसके बारे में माँ कह रही है ना कि परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो रहने दीजिए। पहले माँ को लेकर घर चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आइए। नहीं देवी पौर्णमी, हम उस मंत्रणा हेतु प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आपका जो भी कार्य है, तीनों देवी में से किसी को भी दे दीजिए, वो कार्य देवी अवश्य पूर्ण कर देगी। प्रतीत होता है
ब्रह्मदेव को हमारे उद्देश्य के बारे में पता चल गया है। अभी हमें इनके साथ प्रस्थान करना चाहिए। अवसर मिलते ही हम वहां से निकल आएंगे। आइए ब्रह्मदेव, चलते हैं। अब हम अपने कमरे में चलते हैं, ध्यान का समय है। जी। बनवारी भैया, सारा सामान ना पहले पूजा घर में रखवा दीजिए। और पुष्पा जी, मंगला कहाँ है? आप लोग भी जरा मदद कर दीजिएगा बनवारी भैया की। और आप मैडम, सबको प्रसाद सिर्फ बांटा या खुद भी खाया? हाँ मामा, मैंने खा लिया और साथ के साथ मैंने भजन भी किया। अरे वाह, मतलब हमारी बेटी को खेलने के साथ साथ सत्संग में भी मन लगता है। अच्छा संतोषी, मैं भी जा रहा हूँ कमरे में, थक गया हूँ, आराम करना है। तुम जल्दी से गरम कॉफी भेज दो मेरे लिए। अभी लाए। ये कैसा कागज है? परेशान क्यों हो रही है बेटे? इसकी चिट्ठी है ये। मामा, क्या हुआ? क्या हुआ संतोषी, तुम रो क्यों रही हो? बेटे क्या लिखा है उसमें? गॉड, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। तुमने मेरी इज्जत लूट ली। अरे ये तो वही है ना जो विद्वान सिंह के बेटे के साथ ब्याही है। अरे ये तो अपने घर से भाग के आई थी। हम पिछली मुलाकात में समझ गए थे कि वो वकील नहीं है शेखर, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। उसको एक ही तरीका से समझ में आएगा कि उसको चुपचाप कोर्ट से उठा लो। काका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अगर मेरी जुबान खुली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब बताइए ना काका, मैं आपको वचन देती हूँ, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। छुटकी बहुरानी, उस दिन शाम को जब मैं हेलो बा, मुझे काम्या ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। किडनैप? भगवान जाने काम्या की मंशा क्या है। मुझे लगता है कि हमें विद्या को सब कुछ बता देना चाहिए। आपको क्या लगता है, देवांग की किडनैपिंग को लेकर विद्या बेखबर? वो सब जानती। विद्या, काम्या ने देवांग को क्यों किडनैप किया है और उसे देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? बताओ हम सबको, आखिर काम्या को देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? अरे कहाँ जा रही हो, साथ में चलते हैं ना, मैं छोड़ दूंगा आज। अच्छा एक बात पूछूं? बिल्कुल। आज तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? फॉर दिस तुम्हें सिर्फ हक से इतना कहना होता है कि शर्ली ड्रॉप मी होम। अरे अभिषेक, अभिषेक। हेलो। हेलो मीरा जी। मीरा जी, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ नीरज, जल्दी बोलो। काम करते हैं, हम तुम्हें छेड़ते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई सरे बाजार इस लड़की को छेड़ते हुए? बिट्टू भैया, ये मेरी बीवी, इसे माफ कर दीजिए। गलत बात होता है। बिल्कुल, बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या?
ये जो तुम हरकत कर रही हो ना, ये भी सिर्फ सिर पैर की हरकत है। बढ़ो लाखा को रघुवीर जी को चुनाव लड़ने का उपाय देती है। संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। बढ़ो तो राजनीति करे है। क्या बढ़ो की अच्छाई लाएगी अहलावत परिवार में दरार? जानने के लिए देखते रहिए बढ़ो बहु, और वारिस में देखिए रोहन और सिमरन की बढ़ती नजदीकियाँ क्या बढ़ा देंगी प्रीत और राज की दूरियाँ। तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से, अगर नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बढ़ो लाखा को रघुवीर जी को चुनाव लड़ने का उपाय देती है। संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। बढ़ो तो राजनीति करे है। क्या बढ़ो की अच्छाई लाएगी अहलावत परिवार में दरार? जानने के लिए देखते रहिए बढ़ो बहु, और वारिस में देखिए रोहन और सिमरन की बढ़ती नजदीकियाँ क्या बढ़ा देंगी प्रीत और राज की दूरियाँ। तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से, अगर नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।